Subscribe my channel and press the bell icon and never miss any update from FM News. देश के तीन बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी शुक्रवार शाम को पंचतत्व विलीन हो गए। वाजपेयी का अंतिम संस्कार दिल्ली के राजघाट के पास स्थित स्मृति स्थल में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर देश की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। कई देशों के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आखिरी विदाई में शामिल हुए। इस दौरान जब नमिता भट्टाचार्य ने अपने पिता अटल बिहारी वाजपेयी को मुखाग्नि दी तो सभी की निगाहें उन पर ही टिक गई। अटल अविवाहित थे, लेकिन नमिता को उन्होंने गोद ली हुई बेटी बताया था, इसलिए उनका सब कुछ नमिता ही थी। आखिरी वक्त तक नमिता उनके साथ रही और जब उन्होंने आखिरी सांस ली तो वह फूट फूट कर रोने लगी। नमिता भट्टाचार्य राजकुमारी कौल की बेटी है, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी ने 70 के दशक में दत्तक पुत्री माना था। नमिता के पिता बृज नारायण के निधन के बाद अटल ही कौल परिवार के संरक्षक और अभिभावक बन गए थे। नमिता के साथ उनके पति रंजन भट्टाचार्य और बेटी निहारिका भी अटल बिहारी वाजपेयी के आवास में रहते हैं। रंजन भट्टाचार्य के माता पिता नहीं थे, इसलिए वे अटल जी को ही बाप जी कहकर बुलाते थे। रंजन ने OSD के रूप में भी कार्य किया था, जबकि उनके ससुर अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। नमिता की छोटी बहन भी है, जिनका नाम नम्रता बताया जाता है। नम्रता पेशे से डॉक्टर है और लंबे समय से अमेरिका में है। नमिता के जिक्र के साथ ही उनकी माँ राजकुमारी कौल का भी जिक्र आता है। वह भी नमिता के साथ ही वाजपेयी के आवास में रहती थी और अटल बिहारी वाजपेयी के दत्तक परिवार का हिस्सा थी।